नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और पहले की तरह मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। आज दोस्तों हम बात करेंगे ब्राह्मणवाद की विजय, राज हत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म। दोस्तों ये वॉल्यूम 7 से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बुक से ये रेफरेंस लिया गया है दोस्तों। तो इस प्रसंग में आप बने रहें और शुरू से अंत तक आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम इसको शुरू करते हैं। भारत के विषय में बोलते हुए प्रोफेसर ब्लूमफील्ड अपनी भाषण माला वैदिक धर्म प्रारंभ में अपने श्रोताओं को स्मरण कराते हैं कि भारत कई अर्थों में अनेक धर्मों की भूमि है। इसने अपने स्वयं के संसाधन, अनेक अलग अलग व्यवस्थाओं और पंथों को जन्म दिया है। एक अन्य अर्थ में भारत अनेक धर्मों की भूमि है। अन्य किसी भी स्थान पर जीवन का ताना बाना धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं से इतना अधिक अनुप्रमाणिक नहीं मिलता। इस अभिमत में बहुत सच्चाई है। उन्होंने इस सच्चाई का कहीं अधिक गहन तथा सटीक बखान किया होता यदि उन्होंने यह कहा होता कि भारत परस्पर विरोधी धर्मों की भूमि है। वास्तव में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां धर्म ने उसके इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जैसा कि उसने भारत के इतिहास में निभाई है। भारत का इतिहास और कुछ नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच जातीय संघर्ष का इतिहास है। इस सत्य की इतनी अवहेलना की गई है कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसे तुरंत स्वीकार कर ले। वास्तव में ऐसे कम व्यक्ति मिलेंगे जो इस प्रकार के अभिमत का खंडन कर सके। मैं यहाँ संक्षेप में भारतीय इतिहास के मुख्य मुख्य तत्वों को प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। यह इसलिए भी कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास को कुछ भी समझा है उनको यह जान लेना चाहिए कि यह इतिहास और कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच की महत्ता के लिए संघर्ष का इतिहास है। कहा जाता है कि भारत का इतिहास आर्यों के आगमन से प्रारंभ हुआ, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसे अपना घर बनाया और अपनी संस्कृति स्थापित की। आर्य लोगों के गुण, उनकी संस्कृति, उनका धर्म तथा उनकी सामाजिक पद्धति कुछ भी क्यों न हो, परंतु हम उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। अन्यों की तुलना में आर्यों की श्रेष्ठता के जो भी दावे पेश किए जाते हैं उस सब के बावजूद यह तो निश्चित है कि आर्यों ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो इतिहास का अंग बन सके। नागा नाम की अनार्य जाति के उत्थान से भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होता है, जो कि शक्तिशाली लोग थे जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सके तथा जिनके साथ आर्यों ने शांति समझौता किया और जिन्हें आर्यों को अपने समान ही मान्यता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत ने प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ख्याति और गौरव अर्जित किया उसका श्रेय पूर्णतः अनार्य नागाओं को जाता है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व के इतिहास में महान और शानदार स्थान दिलाया। भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम युगांतरकारी घटना थी बिहार में 642 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उदय। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक का नाम शिशुनाग था और यह नागा नामक अनार्य जाति का था। शिशुनाग द्वारा स्थापित यह छोटा सा मगध राज्य उसके वंश में उत्पन्न समर्थ शासकों के अधीन विशाल होता गया और बिंबिसार के अधीन तो यह एक साम्राज्य बन गया जो इस वंश में उत्पन्न पांचवा शासक था। यह राज्य मगध साम्राज्य कहा जाने लगा। शिशुनाग वंश ने 413 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उस समय शिशुनाग वंश के सम्राट महानंद का शासन था। इस सम्राट महानंद की नंद नाम के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हत्या कर दी और वह सम्राट बन बैठा। उसने नंद राजवंश की स्थापना की। इस नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके अंतिम सम्राट को चंद्रगुप्त ने अपने पद से हटा दिया और उसने मौर्य साम्राज्य की
स्थापना की। चंद्रगुप्त शिशुनाग वंश के अंतिम सम्राट के परिवार से संबंधित था, इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने जो भी क्रांति की वे वस्तुतः मगध के नाग साम्राज्य की पुनर्स्थापना थी। मौर्यों को जो मगध साम्राज्य मिला उसकी सीमाएं उन्होंने अपने पराक्रम से काफी दूर दूर तक फैलाई। अशोक के अधीन इस साम्राज्य की सीमा यहाँ तक बढ़ी कि इसे एक दूसरा ही नाम दिया जाने लगा। इसे मौर्य साम्राज्य या अशोक साम्राज्य कहा जाने लगा। इसके आगे अंग्रेज की मूल पांडुलिपि में पृष्ठ 4 से 7 तक का अंश नहीं मिलता। दोस्तों, उस समय जितने विभिन्न धर्म प्रचलित थे यह उन जैसा नहीं रहा। अशोक ने इसे राजकीय धर्म घोषित किया। निश्चय ही यह ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा आघात था। इससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौड़ या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी उपेक्षा की जाने लगी। निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह दमन इस छोटे से कारण से हुआ कि अशोक ने सभी प्रकार के पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी, जो ब्राह्मणवाद का मूल आधार थी। ब्राह्मणों को न केवल राज का संरक्षण मिलना बंद हुआ बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। यह व्यवसाय था यज्ञ कर्म कराना और उसके बदले शुल्क लेना, जो कभी कभी बहुत अधिक होता था और यही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ब्राह्मण दलित और दलित वर्गों की तरह रहे। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। पुष्यमित्र शुंग गोत्र का था। शुंग लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे जो पशु बलि और सोम बलि में विश्वास करते थे। इसलिए समूचे मौर्य साम्राज्य में पशु बलि निषिद्ध होने और अशोक द्वारा जगह जगह शिलालेखों आदि पर उसकी घोषणा लिखवा देने से शुंगों को अनेक कष्टों को भोगना स्वाभाविक था। यदि पुष्यमित्र ने जो एक सामवेदी ब्राह्मण था बौद्ध साम्राज्य को जो ब्राह्मणों के सभी कष्टों का कारण था नष्ट कर ब्राह्मणों का उद्धार करने और उन्हें अपने धर्म के पालन की छूट देने का बीड़ा उठाया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। पुष्यमित्र ने जो राज हत्याएं की उनका उद्देश्य राज्य धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का सर्वोच्च शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके। इस तथ्य की पुष्टि दो अन्य तथ्यों से होती है। पहला तथ्य स्वयं पुष्यमित्र के आचरण से संबंधित था। उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करना अश्व यज्ञ कराया और इसी वैदिक अनुष्ठान को केवल परम प्रभु सत्ता संपन्न व्यक्ति ही करा सकता था। जैसे कि विंसेंट स्मिथ कहते हैं, बौद्ध धर्म की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता है पशुओं को अवैध मानकर उनको अभय जीवन प्रदान करना। अशोक की विधि व्यवस्था की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। इस पर बहुत अधिक बल देने के परिणाम स्वरूप ऐसे सभी यज्ञ कर्मों पर रोक लगा दी गई जिनमें पूजा विधि के रूप में रक्त का उपयोग होता था और जिस विधि को कट्टर ब्राह्मण अपना प्रधान अनुष्ठान मानते थे। ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र में जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त की उसकी शुरुआत पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने से हुई। इस प्रकार के यज्ञ कर्म बाद में 5वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के समय तक जोर शोर से प्रचलित रही। एक और प्रमाण यह है कि पुष्यमित्र ने अपने राज्यारोहण के बाद बौद्धों और बौद्ध धर्म के विरुद्ध जोर शोर से और कटुतापूर्वक उन्हें सताने का आंदोलन छेड़ दिया था। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को किस निर्दयता से कुचला इसका अनुमान उसकी उस घोषणा से लगाया जा सकता है जो उसने बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी की थी। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी। पुष्यमित्र के शासन में बौद्धों पर किस प्रकार अत्याचार किया गया इस बारे में टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं, कट्टर और धर्मांध शुंग के शासनकाल में बौद्धों की स्थिति का अनुमान करना उसका वर्णन करने की अपेक्षा अधिक सरल होगा।
चीनी अधिकारियों से यह पता चलता है कि बहुत से बौद्ध आज भी पुष्यमित्र का नाम उसे भला बुरा कहे बिना नहीं लेते। यदि पुष्यमित्र की क्रांति केवल राजनीतिक क्रांति थी तब बौद्ध पर व्यापक रूप से अत्याचार करना उसके लिए कोई जरूरी नहीं था। यह तो लगभग वैसा ही था जैसे गजनी के मोहम्मद ने हिंदू धर्म के साथ किया था। यह एक परिस्थिति जनक साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र का उद्देश्य बौद्ध धर्म को समाप्त करना और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना करना था। एक अन्य साक्ष्य द्वारा यह पता चलता है कि मौर्य लोगों के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का विनाश और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना करना जो कि विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई घोषणा से स्पष्ट है। मनुस्मृति को ईश्वरीय कृति कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसे स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने मनु को सुनाया था और बाद में मनु ने इसे मनुष्यों को बताया। यह दावा स्वयं स्मृति में किया गया है। यह आश्चर्यजनक बात है कि किसी ने भी इस दावे के आधार की जांच करने की चिंता नहीं की। इसका फल यह हुआ कि भारत के इतिहास में मनुस्मृति की विशेषता स्थान और महत्व का मूल्यांकन करने में कोई भी सफल नहीं हो सका। हालांकि हिंदू समाज एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति से होकर गुजरा था और मनुस्मृति इसका अभिलेख है। जो भी यह बात भारत के इतिहासकारों पर भी लागू होती है लेकिन यह भी सत्य है कि मनुस्मृति ने अपने कृतिकार के विषय में जो दावा किया है वह बिल्कुल झूठा और इस झूठ के दावे के कारण जो आस्था उपजी वह कोई तर्कसंगत नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु की आदर सूचक संज्ञा थी। इस संहिता को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसकी रचयिता कह दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया। जैसा कि प्राचीन प्रथा थी इस संहिता को भृगु के वंश नाम से जोड़ दिया गया। भृगु की इस कृति का वास्तविक नाम मनु की धर्म संहिता है। भृगु का नाम इस संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जोड़ दिया गया। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया जबकि कई लोगों को इसका ज्ञान था। लगभग चौथी शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम ज्ञात था। नारद के अनुसार सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मनु संहिता की रचना की। सुमति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है, अवश्य यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। इसका कारण यह है कि मनुस्मृति के महान टीकाकार मेधातिथि का यह मत था कि यदि मनु निश्चित ही कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था और वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे। सुमति भार्गव ने इस संहिता की रचना कब की यह संभव नहीं है कि इसकी रचना की सही तिथि बताई जा सके, परंतु वह सही अवधि दी जा सकती है जिसमें इस ग्रंथ की रचना की गई। कुछ ऐसे विद्वानों के अनुसार जिनकी विद्वता पर संदेह नहीं किया जा सकता, सुमति भार्गव ने इस संहिता की रचना ईसा पूर्व 170 और ईसा पूर्व 150 के मध्य काल में की और इसका नाम जानबूझकर मनुस्मृति रखा। अब यदि इस तथ्य पर ध्यान दें कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवाद की क्रांति ईसा पूर्व 150 में प्रारंभ की थी तो इसमें कोई संदेश नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र ने मनुस्मृति नामक जिस संहिता को लागू किया वह मौर्यों के बौद्ध राज्य के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की क्रांति के सिद्धांत का मूर्त रूप थी। और यह कि मनुस्मृति ब्राह्मणवाद की अनेक संस्थाओं की उत्स थी। जो भी व्यक्ति मनुस्मृति की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देगा उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का आह्वान किया वह केवल व्यक्तिगत आधार पर शुरू किया गया कोई सारपूर्ण कारण नहीं था। पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता है जिसे पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार प्रवर्तित किया गया था। पहले लोग यह समझते थे कि कोई मानव धर्मसूत्र नामक एक संस्था थी और जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। वह उसी पुरानी मानव धर्मसूत्र संहिता के आधार पर बनी है। बाद में इस
बाद में इस मत पर लोगों का विश्वास नहीं रहा क्योंकि इस प्रकार की किसी कृति का कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं हुआ। वर्तमान मनुस्मृति से पूर्व दो अन्य ग्रंथ विद्यमान थे, इनमें से एक मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र अथवा मानव राजधर्म शास्त्र के नाम से एक पुस्तक बताई जाती थी। एक अन्य पुस्तक मानव ग्रह सूत्र के नाम से जानी जाती थी। विद्वानों ने मनुस्मृति की तुलना की है। महत्वपूर्ण विषयों पर एक ग्रंथ के उपवन दूसरे ग्रंथ से केवल असमान ही नहीं अपितु दूसरे ग्रंथ में दिए गए उपबंधों से प्रत्येक दशा में भिन्न है। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मनुस्मृति में नए शासन की नवीन विधि दी गई है। मनुस्मृति ने बौद्धों और बौद्ध धर्म के विरुद्ध स्पष्ट व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिनसे यह पता चलता है कि पुष्यमित्र का नवीन शासन बौद्धों और बौद्ध धर्म का विरोधी था। इस संबंध में मनुस्मृति के निम्नलिखित सूत्रों पर ध्यान दीजिए। पहला, जो मनुष्य विधर्म का पालन करते हैं राजा को चाहिए कि वह उन्हें अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दे। अगला, राजा के साम्राज्य में रहने वाले छद्म वेश में ये डाकू अपने कुकृत्यों से संभ्रांत जगत को अनवरत हानि पहुंचाते हैं। जल का तर्पण उन लोगों अर्थात आत्माओं को अर्पित नहीं किया जाएगा जो अर्थात निर्धारित अनुष्ठानों की उपेक्षा करते हैं और जिनके लिए यह कहा जाता है कि उनका जन्म व्यर्थ ही हुआ है। ऐसे लोगों को भी जल तर्पण नहीं किया जाएगा जो जातियों के अवैध समागमन से उत्पन्न हुए हैं। उन लोगों का भी जल तर्पण नहीं किया जाएगा जो सन्यासी अर्थात विधर्मी वर्गों के लोग हैं, और उन लोगों को जल तर्पण नहीं किया जाएगा जिन्होंने आत्महत्या की है। उन महिलाओं अर्थात की आत्माओं को जल तर्पण नहीं दिया जाएगा जो विधर्मी पंथ से सम्मिलित हो गई हैं। अगला, वह वचन से भी विधर्मी तार्किक जो वेद के विरुद्ध तर्क करे को सम्मान न दे। वे सभी परंपराएं और वे सभी दर्शन की हे पद्धतियां जो वेद पर आधारित नहीं है मृत्यु के बाद कोई फल नहीं देती, क्योंकि उनके बारे में यह घोषित है कि वे अंधकार पर आधारित हैं। अगला, वे सभी सिद्धांत जो वेद से विमुख हैं उत्पन्न होते और शीघ्र ही मिट जाते हैं। वे व्यर्थ हैं और झूठे हैं क्योंकि वे अरवाक अर्थात इस समय के रचे हुए हैं। वे कौन से विधर्मी हैं जिनके बारे में मनु ने संकेत किया है, और वे नए राजा से किसे चाहते हैं कि वह उन्हें अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दे, और वह कौन सा गृह स्वामी है जिसके लिए उसके जीवन काल में और मृत्यु के बाद आदर देने की बात नहीं उठती। आधुनिक युग का यह व्यर्थ का दर्शन क्या है जो वेदों से भिन्न है और अज्ञान पर आधारित है तथा जिसका निश्चय ही विनाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनु के शब्दों में विधर्मी बौद्ध धर्मालंबी हैं, और वेदों से भिन्न आधुनिक युग का दर्शन जैसे निस्सार कहा गया है बौद्ध धर्म है। मनुस्मृति के एक अन्य टीकाकार कुल्लुक भट्ट स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनु के इन श्लोकों में विधर्मियों से तात्पर्य बौद्ध धर्मालंबियों और बौद्ध धर्म से है। तीसरा साक्ष्य वह स्थान है जो मनुस्मृति के लिए निर्धारित किया गया है। मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर जो भी कुछ है वह सब ब्राह्मणों का है, अर्थात ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण इन सभी वस्तुओं का स्वामी है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की कृपा से इन सब का भोग करते हैं। जाति की विशिष्टता से उत्पत्ति स्थान की श्रेष्ठता से अध्ययन एवं व्याख्यान आदि द्वारा नियम के धारण करने से और यज्ञोपति संस्कार आदि की श्रेष्ठता से ब्राह्मण ही सब वर्णों का स्वामी है। ब्राह्मण के बारे में यह घोषित है कि वह विश्व का सृजक दंडदाता अध्यापक है और इसलिए सभी सृजित मानवों का उपकारक है। कोई व्यक्ति जो अहितकारी नहीं कह सकता और न उसके विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकता है।
मनु आगे दिए गए शब्दों के द्वारा ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने के विरोध में राजा को यह चेतावनी देता है। राजा को घोर तप विपत्तियों में भी ब्राह्मणों को क्रोध होने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्रोधित होने पर उस राजा को, उसकी सेना, हाथियों, घोड़े और वाहनों को नष्ट कर सकते हैं। मनु ने इससे आगे भी घोषणा की है, नियमों को अच्छी तरह जानने वाले ब्राह्मण को किसी दुखदायी आघात की स्थिति में राजा से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी शक्ति द्वारा ही उस व्यक्ति को दंड दे सकता है जो उसे आघात पहुंचाता है। उसकी निजी शक्ति जो केवल उसी पर निर्भर करती है राजकीय शक्ति से प्रबल होती है, और जो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, अतः ब्राह्मण अपनी शक्ति से ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। ब्राह्मणों को देवता स्वरूप समझना और उन्हें राजा से ऊंचा स्थान देना तब तक संभव नहीं होगा जब तक राजा स्वयं ब्राह्मण न हो और मनु द्वारा व्यक्त विचारों से सहानुभूति न रखता हो। उस मित्र और उसके उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मणों के इन अति सुयुक्तिपूर्ण लाभों को सहन नहीं किया होगा जब तक कि वे स्वयं ब्राह्मण न रहे होंगे और ब्राह्मणवाद की स्थापना में रुचि न रखते होंगे। वास्तव में यह अधिक संभव है कि मनुस्मृति पुष्पमित्र के ही आदेश पर रची गई थी। यह ग्रंथ ब्राह्मणवाद का दर्शन ग्रंथ है। इन सभी तत्वों पर ध्यान देने के बाद अब कोई संदेश नहीं रहता कि पुष्पमित्र की क्रांति का एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म का विनाश करना तथा ब्राह्मणवाद की पुनः स्थापना करना था। भारत का इतिहास जिस रीति से लिखा गया था उसमें अगर संतुष्ट होता है तब इस अध्याय के लिए भारत के इतिहास के बारे में मेरी उपयुक्त टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के हमलों और इन हमलों में उनकी जीत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। पन्ने पर पन्ने यह दिखाने के लिए लिखे गए कि किस तरह एक के बाद एक मुसलमान के हमले इस तरह होते गए जैसे पहाड़ की चोटी से बर्फ और चट्टानें बार बार गिर रही हों, और इन हमलों ने कैसे गांव के गांव उजाड़ दिए और शासकों को अपदस्त करते गए। भारत के इतिहास से यह बताने की कोशिश की गई कि इसमें एक ही महत्वपूर्ण बात मुसलमानों के आक्रमणों की सूची है, लेकिन अगर इसी संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुसलमानों के आक्रमण ही पठनीय नहीं है। यहाँ ऐसे ही अनेक आक्रमण हुए हैं जो भले ही कोई अधिक महत्वपूर्ण न रहे हों। अगर हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे। हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण पर और बौद्ध भारत पर ब्राह्मणों के आक्रमण दोनों में ही बहुत सी समानताएं हैं। हिंदू भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपने अपने वंश की समृद्धि के लिए परस्पर लड़ाई लड़ी। अरबों, तुर्कों, मंगोलों और अफगानों ने आपस में एक दूसरे पर विजय पाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनमें एक बात समान थी, उनका उद्देश्य मूर्ति पूजा को नष्ट करना था। इसी प्रकार बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने परस्पर अपने ही वंश की श्री वृद्धि के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। शुंगो, कर्ण और आंध्रों ने परस्पर एक दूसरे पर अपनी धाक जमाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों की तरह उनका एक समान उद्देश्य था, बौद्ध धर्म और मौर्य द्वारा स्थापित बौद्ध साम्राज्य का विनाश। अगर हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण इतिहासकारों के लिए विवेचन का विषय बन सकते हैं तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणों के आक्रमण भी विवेचन का विषय होना चाहिए। बौद्ध भारत में बौद्ध धर्म के दमन के लिए ब्राह्मणों ने जो उपाय और साधन अपनाए थे उन उपायों और साधनों की तुलना में कम हिंसापूर्ण और कठोर नहीं थे जो मुसलमान आक्रमणकारी ने हिंदू धर्म का दमन करने के लिए अपनाए थे। सामान्य जनता के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर स्थायी प्रभाव की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो कहा जा सकता है कि बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमण का इतना अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा कि उसकी तुलना में हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव वस्तुतः सतत ही और क्षणिक रहा।
मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म के बाहरी प्रतीकों जैसे मंदिरों और मठों आदि को नष्ट किया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को न तो निर्मूल किया और न उन्होंने उन सिद्धांतों या मतों से जनता को विमुख करने की ही कोशिश की जो सामान्य जन के आध्यात्मिक जीवन को संचालित करते थे। ब्राह्मण आक्रमणों के प्रभाव ने उन सिद्धांतों में आमूल परिवर्तन कर दिया जिनकी शिक्षा बौद्ध धर्म में एक शताब्दी से आध्यात्मिक जीवन के सच्चे और शाश्वत सिद्धांतों के रूप में दी थी और जो जन सामान्य द्वारा जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर लिए गए और जिनका अनुपालन भी होता था। अगर हम इस रूपक को थोड़ा उलट कर कहेंगे तो कह सकते हैं कि उन्होंने किसी जलाशय में नहाते वक्त उसके जल को खूब हिलाया डुलाया वे मथा और यह भी कुछ देर तक किया। उसके बाद वह थक गए और बाहर निकल आए जिससे जलाशय फिर शांत हो गया। अगर हम हिंदू धर्म के सिद्धांतों को प्रतीक के लिए बालक मान लें तो कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी भी जलाशय से बालक को बाहर निकाल कर नहीं फेंका। लेकिन बौद्ध धर्म के विरुद्ध संघर्ष में ब्राह्मणवाद ने तो सब कुछ ही बदल दिया। उन्होंने जलाशय से बौद्ध धर्म रूपी बालक और सारे जल को बाहर निकाल फेंका और उसकी जगह अपना जल भर दिया और वहाँ अपना बालक ले आए। ब्राह्मणवाद यह देखने के लिए नहीं रुका कि स्वच्छ और सुगंधित युक्त जल की तुलना में जो बौद्ध धर्म के पावन स्रोत से निस्रत हो रहा था उसका जल कितना मटमैला और गंदा है। ब्राह्मणवाद इस बात पर विचार करने के लिए नहीं रुका कि बौद्ध शिशु की तुलना में उसका अपना शिशु कितना विकृत और क्रूर है। ब्राह्मणवाद ने अपने आक्रमणों के द्वारा बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने के लिए राजनैतिक शक्ति प्राप्त की और उसने बौद्ध धर्म को समूल नष्ट किया। इस्लाम ने हिंदू धर्म को नष्ट कर उसके स्थान पर अपने को स्थापित नहीं किया। इस्लाम ने अपने उद्देश्यों को कभी व्यापक नहीं होने दिया। ब्राह्मणवाद ने यह कार्य किया, इसने बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में निकाल बार किया और स्वयं उसका स्थान ले लिया। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणों के कारण जितना भी प्रभाव उत्पन्न हो सकता था उसकी तुलना में बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमण का प्रभाव भारत के इतिहासकारों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहासकारों ने उन दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तनों पर बहुत कम ध्यान दिया जो मौर्यों द्वारा निर्मित बौद्ध भारत को झेलने पड़े और यदि कहीं कुछ वर्णन भी हुआ भी तो वहां से ऐसे प्रश्नों का सटीक विवेचन करने पर ध्यान नहीं दिया गया जो सहज उत्पन्न होते, जैसे शुंग, कर्ण और आंध्र कौन थे, उन्होंने बौद्ध भारत को नष्ट क्यों किया जिसका निर्माण मौर्यों ने किया था। इस तरह उन परिवर्तनों का विवेचन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जो ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म पर विजय पाने के बाद राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में किए। भारत के इतिहास के इस पहलू को न समझने का कारण कुछ बहुत ही गलत धारणाएं हैं जो काफी प्रचलित हैं। यह आमतौर पर मान लिया गया कि भारत की एक ही संस्कृति रही है और सारे इतिहास में यही मिलती है। ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसके विभिन्न पहलू हैं और इनसे परस्पर कोई मूल विरोध नहीं रहा। दूसरी धारणा यह है कि भारतीय राजनीति में जो भी झगड़े व लड़ाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं उनका आधार केवल राजनीतिक और वंशगत वैर आदि रहा है और इनका कोई भी सामाजिक आध्यात्मिक महत्व नहीं रहा। इन्हीं गलत धारणाओं के कारण भारत का इतिहास जड़वत हो गया और एक वंश का अभिलेख मात्र बनकर रह गया। इस प्रवृत्ति या इस प्रकार के इतिहास लिखने के तरीकों में तभी सुधार आ सकता है जब इन तथ्यों को स्वीकार कर लें जिनके बारे में कोई विवाद नहीं। सबसे पहली बात तो यह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एक समान भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही और यह भारत तीन प्रकार का रहा, ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। अपनी अपनी संस्कृतियां रही। दूसरी बात यह स्वीकार की जानी चाहिए कि मुसलमानों के आक्रमण के पहले भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के अनुयायी के बीच परस्पर संघर्ष का इतिहास रहा है। जो कोई इन दो तथ्यों को स्वीकार नहीं करता है भारत का सच्चा इतिहास कभी नहीं लिख सकता। ऐसा इतिहास जो उस युग के अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट कर सके। भारत का इतिहास जिस प्रकार लिखा गया उसे सुधारने और बीते युग का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट करने की भावना से प्रेरित होकर मैं बौद्ध भारत पर ब्राह्मण भारत के आक्रमण और बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणवाद की राजनीतिक विजय के इतिहास पर से लिख रहा हूँ। इसलिए इस तथ्य को स्वीकार कर अपनी बात शुरू करेंगे कि पुष्यमित्र की क्रांति राजनीतिक क्रांति थी जिसकी योजना ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को निकाल बाहर करने के लिए तैयार की थी। जिज्ञासु सहज यह पूछेगा कि ब्राह्मणवाद ने विजय होने के बाद क्या किया। मैं अब इसी प्रश्न को लेता हूँ। विजय के तर्क से फूले इस ब्राह्मणवाद के कृत्यों अथवा दुष्कृत्यों की सूची 7 शीर्षकों में बनाई जा सकती है। पहली, इसने ब्राह्मणों को शासन करने और राजहत्या करने का अधिकार प्रदान किया। दूसरा, इसने ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का वर्ग बनाया।
तीसरा, इसने वर्ण को जाति में बदल दिया। चौथा, इसने विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष और सामाजिक विरोधी भावना पैदा की। पांचवा, इसने शूद्र स्त्रियों को हे माना। और छठा, इसने वर्ण असमानताओं की प्रणाली को थोप दिया। सातवां, इस सामाजिक व्यवस्था को कानूनी और कट्टर बना दिया, जो पहले पारंपरिक और परिवर्तनशील थी। हम पहले शीर्षक से शुरू करते हैं। पुष्पमित्र ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया, उसने शुरू से ही ब्राह्मणों के लिए कठिनताएं पैदा कर दी थी। लोग आसानी से इस क्रांति के साथ समझौता नहीं कर सके। जनता के विरोध को वाण कवि ने बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया। वह इस क्रांति का उल्लेख करते हुए पुष्पमित्र की उस अध्यम जाति में पैदा हुआ बता आलोचना करता है और उसके द्वारा की गई राजहत्याओं को अनार्य अर्थात आर्य नियम के विरुद्ध बताता है। पुष्पमित्र की क्रांति के आरंभ होने तक तीन बातों पर आर्य नियम पूर्ण रूप से स्पष्ट थे। तत्कालीन आर्य नियमों में इस बात का स्पष्ट विधान था कि राजा होने का अधिकार केवल क्षत्रिय का है, कोई ब्राह्मण राजा नहीं हो सकता। दूसरा, कोई ब्राह्मण आयुधों का व्यवसाय नहीं करेगा। तीसरा, राजा के विरुद्ध विद्रोह पाप है। पुष्पमित्र ने विद्रोह को संरक्षण देकर इन व्यवस्थाओं में प्रत्येक के विरुद्ध पाप किया है। वह ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण होते हुए भी राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने आयुधों का व्यवसाय अपनाया और जब वह राजा बन बैठा, सामान्य जन उसके इस कार्य से असंतुष्ट था तो नियम विरुद्ध था। ब्राह्मणों के पुष्पमित्र द्वारा उत्पन्न इस परिस्थिति को विनियमित करना पड़ा। ब्राह्मणों ने यह कार्य सारी व्यवस्था में परिवर्तन कर पूरा किया। व्यवस्था में यह परिवर्तन मनुस्मृति में बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। मैं मनुस्मृति में से संबंधित श्लोकों को उद्धृत कर रहा हूँ दोस्तों, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा वैधानिक परिवर्तन है। यह विद्रोह करने में राजहत्या करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह नया नियम बड़ी ही कुशलता पूर्वक बनाया गया। यह विद्रोह करने का अधिकार तीन उच्च वर्गों को देता है, लेकिन यह अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया। इसके लिए ऐसी परिस्थिति की व्यवस्था की गई जिसके रहते विद्रोह में क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण का सहभागी न बन सके। विद्रोह करने के अधिकार को भली प्रकार परिसीमित किया गया। इस अधिकार का प्रयोग केवल ऐसी दशा में होगा जब राजा विभिन्न वर्णों के लिए मनु द्वारा निर्दिष्ट व्यवसाय में उलटफेर करने का दोषी हो। यह नियम परिवर्तन जितने आवश्यक थे उतने ही क्रांतिकारी। इनका उद्देश्य उस समय स्थिति को अधिनियमित और नियमित करना था, जो पुष्पमित्र ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या कर उत्पन्न की थी। इन विधिक परिवर्तनों के होने से कोई ब्राह्मण राजा बन सकता था, आयुध ग्रहण कर सकता था, किसी भी राजा को राजगद्दी से उतारा या उसकी हत्या कर सकता था जो चातुर्य वर्ण का विरोधी हो, और किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है जो ब्राह्मण की सत्ता का विरोध करता है। मनु ने ब्राह्मणों को नरसंहार का अधिकार दे दिया, बशर्ते यह उनके हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हो। दोस्तों, ब्राह्मणवाद की विजय। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं एक दूसरे और वीडियो में, तब तक।